भी आप सुन पा रहे हैं। एक बार बताइए क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल विजिबल? द फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार आप मुझे बताएंगे, एम आई विजिबल ऑडिबल, क्या मुझे आप सुन देख पा रहे हैं? जी यस सर, हाँ सर, यस सर जी, इसका मतलब है कि आप सुन और देख पा रहे हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा समझते हैं, 10-15 मिनट, उसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक, कि क्या कवरअप किया जाएगा और क्या इसमें होने वाला है और उसके उसका प्रोसीजर क्या है। आपको पता है कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, पर एसआई बैच का रीजनिंग कब से पढ़ाएंगे? अब बाकी एक सब्जेक्ट नहीं, ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है उतना सुनो, वो चलेगा धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक, अभी कोई और सब्जेक्ट की बात नहीं करना है। एसएससी में मैथ कब पढ़ाएंगे, रीजनिंग कब पढ़ाएंगे, एसआई में और इंग्लिश कब पढ़ाएंगे, सब कुछ नहीं, जिसमें जैसा पढ़ा जा रहा था वैसा पढ़ाया जाएगा। अभी जितना चल रहा है सिर्फ उतना ही देखो, ठीक, यूपीएसआई में जो रीजनिंग पढ़ाते थे वो पढ़ाएंगे, ठीक, एसएससी में जो मैथ चल रहा था वो सब चले, अभी सिर्फ जो हो रहा है वो उतना पर ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि आपका ये जो सिलेबस है, मीन्स टू से दैट आपका जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, आज से आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक। आपका असल में इकोनॉमी चलने वाला था, यानी अर्थशास्त्र, लेकिन इकोनॉमी की क्लास नहीं ली गई, क्यों? उसका एक कारण क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमी का जो जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में है, लेकिन जो आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, ये भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो चाहे वो एग्जाम एसएससी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका सर्वाइस, बहुत स्लो आ रही है, तो आपका कोई भी एग्जाम है वहां पर ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा ही जाता है। सबसे पहले ये जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा ये किस किस एग्जाम के लिए है? तो पहला एग्जाम आपका एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, दूसरा है आपका यूपीएसआई, ठीक है ना, जितने भी वन डे एग्जाम है, जितना भी वन डे एग्जाम का है वो सब कुछ इसमें कवरअप हो जाएगा। अब वो चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है ना, टेट हो, सुपर टेट हो, जितना भी ऐसा एग्जाम है जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, उसका आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कवरअप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अभी ये कोई नहीं कहेगा कौन सा बैच इसमें ये किसके लिए पढ़ाया जाएगा, कोई ये नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, भारत में होने वाला कोई भी वन डे एग्जाम जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, उसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी भारत राज व्यवस्था, संविधान तथा शासन प्रणाली ही जाता है, तो ये हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी है और हर एक परीक्षा में आएगा। उसके बाद क्या इसमें सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कवर होगा? तो यूपीएससी का मेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो बहुत वास्ट होता है, अप्लीकेशन फॉर्म होता है, लेकिन प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक, यानी आपका 0 to PT यूपीएससी तक हम प्रेप करेंगे, और आपका पीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है या आपका यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो हो जाएगा, लेकिन उसका मेंस का एग्जाम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में होता है,
तो वो संभव नहीं है, इस क्लास से नहीं हो पाएगा, लेकिन यूज टू होगा, एक्चुअल डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात है कि सर इसका कितना डे में ये खत्म हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 दिन, मैक्सिमम 25 से 30 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत की पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन गवर्नेंस, आपका 25 से 30 दिन में आपका ये हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा पूरी तरह से। क्या इसमें कवर अप नहीं होगा, तो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और सीआरपीसी इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, ये दो चीज नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये हर एग्जाम में नहीं आता है, ये मूल विधि के अंडर में आता है, जो केवल और केवल यूपीएसआई में ही पूछा जाता है, जो इसमें नहीं होगा। मूल विधि का वो पार्ट होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो पार्ट नहीं होगा जो आपका आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड। तो ये नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, मूल विधि इसमें नहीं कवर किया जाएगा। आपकी प्रॉपर क्लास में हम लगभग 20 से 25 दिन में आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अब पूरी तरह से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई कि किसके लिए जरूरी है और कितना दिन काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट होता है कि हमारा सोर्स क्या होगा, पढ़ना कहाँ से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पढ़ने का सोर्स होना चाहिए वो आपका क्लास नोट्स, यानी क्लास नोट्स इज मोर देन सफिशेंट फॉर योर एनी एग्जामिनेशन। आप जो भी क्लास नोट्स यहाँ पे हो जाएगा, वो क्लास नोट्स आपको कवर अप करना है कम से कम 4 से 5 बार, यानी क्लास नोट्स को आपको 4 से 5 बार। मार्कर और कर चल नहीं रहा है यहाँ पे यार, कोई सही से मार्कर। हाँ, तो कम से कम 4 से 5 बार आपका ये आपको नोट्स दोहराना है। उसके बाद आप ऐसे देखिए, चल नहीं रहा है ये कोई सही से। चलिए, तो आपका जो सोर्स है वो पहला है कि आपको क्लास नोट्स रिवीजन करना है कम से कम 4 से 5 बार। ठीक, पहला आपको रिवीजन करना है डेली जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वीकली, फिर मंथली आपको ये रिवीजन करना होगा। उसके बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, लाइक एज एसएससी का एग्जाम देते हैं, या फिर आप यूपीएसआई का दे रहे हैं, या कोई भी वन डे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्कॉलर्स अकेडमी की तरफ से आपको एक बुक प्रोवाइड की गई होगी। वॉइस नहीं आ रही है, ये तो बहुत पहले का मैसेज है। सुन पा रहे हैं आप लोग? एक मिनट, माइक चेंज हो रहा है, मैं यहीं पर हूं। ठीक है, तो आपका जो सोर्स होगा किताब का, सबसे पहले ये है कि आपको 4 से 5 बार क्लास नोट्स रिवीजन करना है। और अगर आप किसी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वन डे एग्जाम के सिनेरियो के थ्रू ये इसमें डालिए। कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वन डे एग्जाम के सिनेरियो के थ्रू आपको करना क्या है कि पहली बात तो आपकी स्कॉलर्स अकेडमी की तरफ से अपने स्कॉलर्स अकेडमी की जो बुक है वो बहुत दी बेस्ट है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपका 30 रुपए की मनोहर पांडे की किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, सिर्फ आपको फैक्ट के लिए उसको देखना है, बाकी आपकी क्लास मोर देन सफिशिएंट होगी। और अगर आप ये सब कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो काम हो जाएगा। या फिर आप महेश कुमार वरनवाल की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वन डे एग्जाम के लिए। और यदि आप पीसीएस के लिए या फिर आप यूपीएससी के लिए देखेंगे, तो आपका प्रीलिम्स इस क्लास से हो जाएगा। उससे आपको क्या करना है, तो चाहे आपका बासु आप पढ़ सकते हैं, डीडी बासु, ठीक है ना, या फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ठीक, या फिर आप क्या पढ़ सकते हैं, बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक, या फिर आप सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक, सब नहीं ले आना है, कोई भी एक ले आना है, लेकिन आज नहीं लाना है, जब पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा तब लेकर के आना है। और ये नेसेसरी नहीं है, इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं तो ऐसा करना है। बाकी आपका क्लास नोट्स इतना सफिशेंट होगा कि इन सबको कवरअप किया गया होगा, सारी किताबों को। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना क्या है कि आपको घटना चक्र या फिर किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदना है, जिसमें पुराने साल का क्वेश्चन आता आया हो, चैप्टर वाइज जिसमें प्रीवियस ईयर हो। अब वो कोई भी पब्लिकेशन को आपको ले लेना है, चाहे वो घटना चक्र है या फिर वो आपका क्रॉनिकल है, यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल है, घटना चक्र आता है वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर आपका कोई भी प्रकाशन है जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर मिले,
वो आपको ले लेना है, और ये आपका सोर्स हो गया। तो सबसे पहले कि आपको नोट्स देखते हैं, नोट्स के बाद सोर्स के तौर पर आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें कवरअप होगा, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने ये समझा कि सोर्स क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, भारत में आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसमें जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड है, उसमें आपको सवाल ये होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, वो ये है कि सर सिलेबस क्या है, यानी क्या कवरअप किया जाएगा। तो जो आपका पहला पार्ट है वो है, जो आपका पहला चैप्टर होगा जो यहाँ पर कवरअप किया जाएगा, वो है प्रस्तावना, उद्देशिका, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको कवरअप होगा वो क्या होगा, भारत की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। क्या सर रेगुलेटिंग एक्ट ये सब नहीं होगा? नहीं, ये सब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको समझाया जाएगा। तो अपना जो पॉलिटी की शुरुआत होगी वो प्रस्तावना से होगी, प्रियम्बल से होगी। ठीक, दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा आपका फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। ठीक, और जो तीसरा चैप्टर आपका होगा, वो तीसरा चैप्टर आपका होगा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। ठीक, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध यानी स्टेट सेंटर रिलेशनशिप। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, यहाँ दिख रहा है, हाँ, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सिटीजनशिप। ठीक, सिटीजनशिप, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, नागरिकता। ठीक, नागरिकता। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ही हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका होगा स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर। ठीक, एंड एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका। ठीक, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका। ठीक, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, तो जुडिशरी यानी आपका क्या होगा, जुडिशरी यानी आपका क्या, न्यायपालिका, न्यायपालिका। और लास्ट में आपका मिसलिनियस यानी जो कुछ भी बच जाता है। तो इतने चैप्टर आपको कवरअप कराए जाएंगे, 25 दिन के अंदर ही ये सब हम लोग खत्म कर लेंगे। जो शुरुआत होगी वो हमारी प्रस्तावना से होगी, प्रियम्बल से, उसके बाद मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध। ठीक, उसके बाद आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, न्यायपालिका। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये पूरा कवरअप हमको करना है 25 दिन के अंदर, और आपको प्रॉपर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा। नोट्स आपको बनाना है, नोट्स लिखवाया नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, बोला इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। ठीक, तो आज का जो आपका चैप्टर है वो आप एक तो कॉपी ले लेंगे, और जैसा जैसा पढ़ाया जाता जाएगा आपको वैसे अपने नोट्स में जाने देना है। तो जो पहला टॉपिक है, दैट इज व्हाट, प्रीएम्बल यानी भारत की क्या, प्रस्तावना। अब इस चैप्टर पर चलने के पहले मैंने कुछ बेसिक बातें आपको मैं बता देता हूँ कि भारत का संविधान क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बता देता हूँ मैं, जिसका किसी एग्जाम में कोई रोल नहीं है, किसी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो जानेंगे नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जो आपका पहला टॉपिक है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, या फिर उद्देशिका, ठीक है ना, जिसको पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बात हम समझते हैं। जो पहली बात है कि वो क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक, यानी संविधान क्या है, संविधान होता क्या है। ठीक, या हम संविधान क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान क्या है, तो संविधान कुछ भी नहीं है, ये एक रोडमैप है। किस चीज़ का रोडमैप है, तो गवर्न। ठीक, कि कोई भी कैसे गवर्न होगा, मतलब कहने का है कि एक रास्ता बताता है, या फिर एक डेटा है, या फिर विभिन्न प्रावधानों का एक संग्रह है, ऐसा लिख लो, विभिन्न प्रावधानों का, विभिन्न प्रावधानों का एक संग्रह है, या फिर एक डेटा है, या रोड मैप है,
जो ये बताता है कि किसी को कैसे शासन करना है। हर देश का अपना एक संविधान होता है। तो प्रियम्बल के पहले हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक या किताब की भांति है जिस विभिन्न प्रावधानों का संग्रह बनाया गया है, मतलब द क्या कंटेनमेंट ऑफ द मैनी प्रोविजंस इन दिस बुक। मतलब कहने का है कि बहुत सारे विभिन्न प्रावधानों का, प्रोविजंस का एक कलेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अभी ध्यान से इस बात को समझना है कि इससे प्रश्न ही नहीं आने वाला है कि संविधान किसको कहते हैं। तो इस पर मैं 1 घंटा बोलूं और ये बताऊं संविधान ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। तो इस 20 से 25 दिन में मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी क्लास है नहीं, तो इसमें लिखना कुछ रहता नहीं है। सब्जेक्टिविटी केवल ऑब्जेक्टिविटी है। तो जितना आपके पेपर में आता है या जितना पूछा जा सकता है सिर्फ उतना ही बताया जाएगा, ठीक। बाकी थोड़ी बहुत बातें आपको बता दी जाएगी जिससे एक समझ बन जाए। तो कौन संविधान क्या है, विभिन्न प्रावधानों का एक संग्रह है जिसमें भारत के कार्यपालिका और राज व्यवस्था के ऊपर, मतलब भारत के कार्यपालिका और भारत की विधायिका कैसे काम करेगी वो बताया गया है, या भारत की व्यवस्था कैसे काम करेगी ये बताया गया है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, विभिन्न प्रावधानों का एक संग्रह है जो बताता है कि भारत किस प्रकार से या कोई भी देश किस प्रकार से वर्क करेगा, फंक्शन होगा, उसके नियमावली क्या होंगे, उसके नियम क्या होंगे। अब जो संविधान होता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द रिटन एंड अनरिटन एक टाइप का होता है। तो पहला क्या हो गया आपका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना, मतलब लिखित संविधान या अलिखित संविधान। तो सर ये लिखित संविधान क्या होता है, ठीक, लिखित संविधान क्या है, या फिर आपका अलिखित संविधान क्या है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, और किस बिहाफ पर हम ये समझते हैं। तो किसी भी किताब को देखोगे तो उसमें सिर्फ इतना ही दिया रहता है कि जो लिखित संविधान होता है इसका मतलब जो लिखा गया होता है, और अलिखित संविधान जिसका मतलब लिखा नहीं गया होता है। क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि जो लिखा गया या नहीं लिखा गया है, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संविधान एक संविधान सभा के द्वारा, भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बैठा था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। तो कोई भी संविधान, अगर कोई भी संविधान सभा के द्वारा बनाई जाती है तो ऐसे संविधान को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान कहते हैं। और अगर कोई भी संविधान बिना किसी संविधान सभा के द्वारा एक हारमोनी मेंटेन करते हुए ऐसे प्रोसीजरल चलती है तो उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसको संविधान सभा द्वारा बनाया गया होता है। अलिखित संविधान या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब अलिखित संविधान वो संविधान होता है जिसको संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया होता है, जो ऐसे ही चल रहा होता है। क्या किसी देश का संविधान पूर्णतः लिखित या अलिखित हो सकता है? अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा नो। नो एज अ कंट्री, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका संविधान पूर्णतः लिखित या अलिखित हो सकता है। अब आप ये जाकर के डीडी बासु में देख सकते हैं, उसका चौथा या पांचवा ही लाइन ये है कि नो एनी कंट्री विच हैव टोटली रिटन ऑन इन रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपका वन डे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बिल्कुल जो लिखित संविधान है वो कहाँ का, तो अमेरिका एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। या फिर भारत का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि उसको भी संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अलिखित संविधान जो है, जैसे कि आपका ब्रिटेन, यानी आपका जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, वो अलिखित संविधान है क्योंकि उसको संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, उसके लिए संविधान सभा नहीं बैठी थी। तो संविधान सभा का गठन द्वारा अगर कोई भी संविधान बनता है तो उसको हम लिखित संविधान कहते हैं, बिना गठन के ही अगर वो प्रॉपर काम करता है तो उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। अब आपका होमवर्क यही है, देखो जाने के बाद मतलब यही है ना कि घर पे जाकर के बहुत सारे देशों को निकालो कि किसका किसका संविधान लिखित और अलिखित है और उसको समझो, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा जो होता है कि ये तो लिखित और अलिखित हो गया, दूसरा रिजिड और फ्लेक्सिबल कि संविधान एक और प्रकार का होता है। पहला तो लिखित अलिखित समझ गए, दूसरा है कि कौन सा संविधान रिजिड है और कौन सा संविधान फ्लेक्सिबल है। यानी फ्लेक्सिबल क्या होता है, तो रिजिड का मतलब होता है कठोर और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, ठीक। तो संविधान कौन सा लचीला है या कौन सा कठोर है, तो रिजिड या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन।
ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान रिजिड या फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना? तो आपको ऐसे ही चार ऑप्शन दे देगा कि ब्रिटेन का संविधान बताइए, क्या एक कठोर संविधान है, क्या एक लचीला संविधान है, क्या ये दोनों प्रकार पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। तो आपको आंसर बताना होगा कि वहां का जो संविधान है एक लचीला संविधान है। ऑन विच बिहाफ वी से दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल, ऐसा कौन सा बिहाफ है या ऐसा कौन सा आधार है जहां पर हम ये बताएंगे कि कोई भी संविधान कठोर होता है या लचीला होता है? तो वो आधार है वहां का अमेंडमेंट, यानी वहां का बदलाव। अगर किसी भी देश के किसी भी संविधान में बदलाव बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है, मतलब कहने का है कि वहां पर हम उसमें कोई भी संशोधन बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं एक लचीला संविधान है। लेकिन अगर बहुत कठिनाई से करते हैं तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं कि वो बहुत ही कठोर संविधान है। यानी एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टाइप ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अमेंडमेंट वेरी हार्डली, एंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अमेंडमेंट वेरी इजली। यानी अगर कोई भी संविधान बहुत ही आसानी से परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, ऐसे संविधान को हम कहते हैं कि वो बहुत ही लचीला है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी संविधान साधारण बहुमत से ही बदला जा सकता है, तो साधारण बहुमत से अगर बदला जा रहा है या संशोधित किया जा रहा है तो उसको हम लचीला कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी संविधान विशेष बहुमत से बदला जा रहा है, बहुमत के प्रकार हम बाद में समझेंगे, अगर विशेष बहुमत से बदला जा रहा है या संशोधित किया जा रहा है, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। भारत कौन सा संविधान है सर? क्या वो एक कठोर संविधान है? नहीं। क्या वो एक फ्लेक्सिबल है, लचीला है? नहीं। जो भारत का संविधान है वो असल में मिश्रित है, यानी वो ना तो कठोर है ना तो लचीला है, वो दोनों का मिश्रण है। कैसे पता चला सर? तो हमने अभी अभी समझाया कि अगर कोई भी संविधान साधारण बहुमत से बदल दिया जाता है तो वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। लेकिन अगर वो विशेष बहुमत से बदला जाता है तो वो क्या होता है? कठोर होता है। भारत के संविधान के ऐसे कई प्रावधान हैं जो साधारण बहुमत से ही बदले जा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टीज है। वहां कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कठोर हैं, जो जैसे कि राष्ट्रपति का निलंबन, जैसे कि उपराष्ट्रपति का निलंबन, जैसे प्रधानमंत्री या जज का निलंबन, तो ऐसे निलंबन के लिए हमको विशेष बहुमत की जरूरत होती है, या फिर हमको कठोर, या फिर हमको विशेष बहुमत की, या फिर हमको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये संविधान एक कठोर संविधान है। तो संविधान कठोर या लचीला कैसे होता है? तो कठोर तब होगा जब वो विशेष बहुमत से ही बदला जाएगा, और लचीला वो तब होगा जब वो साधारण बहुमत से ही बदल दिया जाए। अगर वो साधारण बहुमत से बदल दिया जाए तो वो कैसा संविधान है? लचीला है। विशेष बहुमत से बदला जाए तो वो कठोर है। तो ये हो गए संविधान के प्रकार, ठीक। अब उसके बाद हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, प्रीएम्बल पर। अगर आपसे बात किया जाए, देखिए कोई भी सब्जेक्ट का अपना एक बहुत वास्ट रोल होता है, अगर आपसे बात किया जाए तो बहुत सारी बातें यहाँ पर की जा सकती हैं, बहुमत प्रकार बहुत कुछ, लेकिन कभी टाइम मिला तो हम करेंगे। अभी हमको प्रीएम्बल पर चलना है। तो भारत की प्रस्तावना संबंधी कुछ पहले मुद्दे हैं वो समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें यूज होने वाली एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक चीजों को सही से समझेंगे, एक एक चीजों को सही से समझेंगे, ठीक। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहीं से शुरू होती है। तो उसमें जो पहला शब्द है वो है, सबसे पहले भारत की प्रस्तावना संबंधी जो मुद्दे हैं उसको हम अभी अभी नहीं समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, कुछ देर बाद समझेंगे, या फिर हो सकेगा तो कल समझेंगे। सबसे पहले भारत की प्रस्तावना ऐसे यहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसको अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं, ऐसे पूरा लिखा होगा, ठीक। अब उसकी एक एक टर्मिनोलॉजी को पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, फिर उसके बाद इसमें आए हुए पीटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यहीं पर कराए जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो वर्ड है जिसको हमको समझना है, हम भारत के लोग, ठीक, हम भारत के लोग। अभी ये नहीं सोचना है कि डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दिए, प्रीएम्बल से शुरू कर दिए, असल में कि जो भारत की प्रस्तावना था ये पहले जो था ये संविधान का हिस्सा था ही नहीं, संविधान में ऐड ही नहीं था, लेकिन इसको नेहरू के द्वारा, यानी उनका एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि पहले ये था नहीं था, लेकिन बाद में ये जोड़ दिया गया। अब आंसर है कि कब जोड़ा गया, नेहरू ने कब दिया? तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और वो जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या फिर संविधान सभा को,
13 दिसंबर 1946 को दिया और वो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। यानी जो भारत की उद्देशिका या प्रियम्बल या फिर यहाँ पर प्रस्तावना है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, लेकिन उनके एक प्रस्ताव के द्वारा, नेहरू जी के एक प्रस्ताव के द्वारा, यानी पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको दिया गया और बाद में उसको पूरी की पूरी संविधान सभा ने इस मांग को मांग लिया। और वो जो पीटी नेहरू की जो प्रपोजल था या फिर उनका प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। और वो जो प्रस्ताव था वो कब दिया गया? तो आंसर है कि वो दिया गया 13 दिसंबर 1946 में। इसको माना कब गया यानी संविधान सभा के द्वारा माना कब गया? तो संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी, ठीक है ना, 22 जनवरी 1947 को मान दे दिया। यानी सबसे पहले कौन सा रिजोल्यूशन? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा इसको मान्यता दी गई। तो सबसे पहले भारत की जो प्रस्तावना या उद्देशिका या फिर प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन पीटी नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव जारी किया। क्या प्रस्ताव जारी किया? कि हम भारत की प्रस्तावना को जोड़ने वाले हैं भारत के संविधान में। और उन्होंने ये प्रस्ताव कब रखा? तो ये प्रस्ताव उन्होंने रखा 13 दिसंबर 1946 को। और उस प्रस्ताव को मान्यता कब मिली? तो उस प्रस्ताव को मान्यता मिली 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा मिली? तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने इसको मांग कर लिया, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया यानी मान्य कर लिया। सबसे पहला कि नेहरू ऐसा इन्होंने किया ही क्यों, क्यों इसको जोड़ना चाहते हैं आप, और संविधान सभा ने इसको क्यों मान लिया, ऐसा क्या है इसमें? तो सबसे पहले अब इसमें क्या है, इसको बहुत सारे लोगों ने बताया है, तो लास्ट में हम समझेंगे कि KM मुंशी ने क्या कहा है, ननी पालकीवाला ने क्या कहा है, या फिर उसको अंबेडकर ने क्या कहा है। लेकिन अभी ऐसे समझो कि इसमें भारत की आइडियोलॉजी का पता चलता है, यानी संविधान की जो सोच है उसका पता चलता है, यानी उसके आदर्शों का पता चलता है कि संविधान सभा ने क्या सोच करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, या उनका थॉट क्या था, या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, और किस किस आधार पर उन्होंने संविधान का निर्माण किया, यानी उनके संविधान निर्माण करने की सोच के पीछे का क्या उद्देश्य था, यानी उसके पीछे की सोच क्या थी, उसके पीछे का स्रोत क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, वो सब कुछ कहाँ पता चलता है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में। यानी प्रस्तावना में किस चीज का पता चलता है? कि संविधान का क्या क्या उद्देश्य है, और संविधान सभा का जो उद्देश्य था यानी संविधान का बनाने का जो पर्पस था या उसके पीछे का माइंडसेट क्या था, आदर्श क्या था, वो कहाँ से झलकता है? प्रस्तावना से झलकता है। IAS ने ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान का जो आदर्श है वो कहाँ से पता चलता है, कौन बता सकता है कि संविधान का बनाने का, संविधान सभा का आदर्श क्या था? तो उसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना होगा। ठीक है, अब यहां तक हम बात समझ चुके हैं कि पीटी नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया जिसको संविधान सभा ने मांग इसको मान लिया। कब माना? 22 जनवरी 1947 को। अब इसमें जो पहला है वो है हम भारत के लोग। अब सबसे पहले ऐसे समझो कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया? तो उत्तर है कि भारत का जो संविधान है वो असल में किस भाषा में लिखा गया? तो वो इंग्लिश में लिखा गया है, यानी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको पता है कि इंग्लिश में ही है। उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में या कई भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया है। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में ही लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट करके उन्होंने हिंदी को कन्वर्ट किया है। उसके बाद है कि जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका ये प्रियम्बल है यानी जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना कहाँ से दिखती है? तो ये USA का कॉन्सेप्ट है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। वहां की ऐसी झलकती है कि ये वहां का है। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। यानी जो प्रियम्बल प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है, यानी ऐसा क्या लगता है कि कहाँ से प्राप्त है? तो आंसर है कि USA से। इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज का सोर्स कहाँ से दिखता है? तो कुछ इसका जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से दिखता है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो पीटी नेहरू के द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मान्यता दे दी। उसके बाद जो आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसका स्रोत है USA, इसकी लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया, इसको हम क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो पहला शब्द है उसका नाम है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला ही शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ये फंस जाता है इस मामले में कि क्या अब हम भारत के लोग लिखना सही है? तो आंसर है कि हाँ, हम भारत के लोग लिखना सही है। मतलब क्या है?
कि संविधान जो मान कर किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हम भारत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब है इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या ने मिल करके इस बात को एक्सेप्ट किया है, बात को मान्यता दी है, इस पूरे संविधान को हम मानते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अभी समझेंगे क्या है इसका मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित का। तो पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, उसका यही मतलब है। दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है, एक बार मैसेज करो, देखो समझ में आ रहा है, एक बार मैसेज करिए, एक बार पहले आप लोग मैसेज करिए, क्या आप लोगों को समझ में भी आ रहा है? समझ में आना बहुत जरूरी है, पहले एक बार आप मैसेज करिए, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? प्रिया वर्मा, शिवांगी, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे से। अंकिता गुप्ता, यस सर, बहुत तेजी के साथ मैसेज आ रहा है। गैलेक्सी J7, यस सर, यस सर, यस सर। तो बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ, समझ में आ रहा है। देखो अगर तुम ऐसा तुम चाहते हो कि मतलब थोड़ा सा तोता जैसा हाँ नहीं पाता हूँ, मतलब अगर तुम चाहते हो तुम तुरंत फैक्ट फैक्ट सब बताने लग जाए तो वो हो नहीं सकता, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के चलना होगा। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहना है, एक दिन में प्रस्तावना नहीं खत्म कर सकते हैं, एक दिन में पॉलिटी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बनाना होगा। लेकिन मैं ये पता करता हूँ कि इस व्हाइट बोर्ड से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो आपका जो पहला है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है या सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉवरेनिटी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन, अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि भारत का या किसी भी देश का कोई भी फैसला, जैसे क्या मैं एक संपूर्ण प्रभुत्व हूँ, या मतलब तुम ऐसा समझ लो कि सॉवरेन का मतलब ये होता है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब होता है कि भारत अपना कोई भी निर्णय, कौन सा निर्णय, आंतरिक या फिर बाह्य, ठीक है, आंतरिक निर्णय या वो अपना बाह्य निर्णय खुद के आधार पर लेता है। तो भारत क्या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है? क्या भारत एक सॉवरेन कंट्री है? यस, भारत एक सॉवरेन कंट्री है। और अगर भारत एक सॉवरेन कंट्री है यानी एक संप्रभु देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, तो वो कैसे है? क्यों? क्योंकि भारत अपना सारा का सारा जो निर्णय है वो आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो वो खुद से ही लेता है। क्या मतलब सर इसका, आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय का मतलब क्या है? जैसे कश्मीर का जो मुद्दा है, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि उत्तर प्रदेश में कोई भी काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का होने वाला कोई भी काम या छत्तीसगढ़ का होने वाला कोई भी काम का निर्णय जॉन बाइडन नहीं ले सकते हैं, या फिर उसको ट्रंप नहीं ले सकते हैं, या फिर उसको कोई भी विदेशी इंसान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी अपना भारत सारा आंतरिक निर्णय खुद ही लेता है, ठीक, यानी अपना सारा का सारा वो आंतरिक जो निर्णय होता है उसको अपने अंदर योजनाएं कौन सी चलानी है, उसको टैक्स कितना रखना है, उसको काम कैसे करना है, उसको वेलफेयर कैसे करना है, वो सारा का सारा आंतरिक जो निर्णय है वो खुद के आधार पर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत अपना आंतरिक निर्णय खुद ही लेता है, अपना बाह्य निर्णय भी वो खुद ही लेता है। मतलब बाह्य निर्णय का मतलब है कि उसके मित्र कौन होंगे, उसके शत्रु कौन होंगे, ठीक है ना, उसका जो टेरिटरी है वो किसी के साथ समझौता कैसे कर सकता है, आयात निर्यात कैसे कर सकता है, वो सारा निर्णय भी वो खुद ही लेता है। तो कहने का मतलब कि क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। क्यों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है? क्योंकि भारत अपना आंतरिक और बाह्य सारा निर्णय जो है वो खुद ही लेता है, यानी उसका वो निर्णय खुद ही करता है कि हमें अपना आंतरिक निर्णय यानी अपने आंतरिक जो काम करने हैं, यानी भारत के अंदर और भारत के बाहर, वो सारे के सारे निर्णय भारत स्वयं ही लेता है। अब इसी मुद्दे को दो दिन चर्चा किया जा सकता है IR से जोड़ करके कि भारत फिर यूनो की बात क्यों मानता है, WHO की बात क्यों मानता है, लेकिन वो वनडे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, इवन तो कि आपको वो UPSC प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी नहीं है। तो वो मेंस का विषय है, तो वो कभी हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए या PT के लिए इतना ही कि क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, राष्ट्र है। बिल्कुल भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय जो होता है वो खुद ही लेता है। यानी कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो अपना आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय स्वयं से ना लेता हो, ठीक। और इस समय तो
आपको पता ही है कि भारत के सत्ता पर विराजमान जो व्यक्ति हैं यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो तो इस चीज में माहिर हैं किसी की ना सुनने में, कि कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी इंसान हो, अनशन करो तो ठीक, हम सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी, चाहे तुम जो हो, ठीक, तो अपना आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय चीन को भी नहीं सुनेंगे हम, किसी की नहीं सुनेंगे, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा शब्द आपको मिलता है, ठीक, अब ये आपको लिख लेना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है। ऐसा देश जो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता हो, ये आपके उद्देशिका का तीसरा शब्द है। अगला शब्द है आपके उद्देशिका का, वो शब्द है समाजवादी, ठीक है ना, यानी सोशलिस्ट। अब ये समाजवादी का क्या मतलब होता है, मैं सारे शब्दों का मतलब समझा देता हूँ, फिर मैं इसका फैक्ट भी आपको लिखवा दूंगा, और हम प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक एक क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50-60 क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना का, फिर हम चलेंगे मौलिक अधिकार पर या फिर मौलिक कर्तव्य पर, सब पर, ठीक है ना। तो समाजवादी यानी आपका ये तो हो गया कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, दूसरा एक सोशलिस्ट है। अब ये कैसे एक सोशलिस्ट कंट्री है या कैसे एक समाजवादी देश है, ऐसा कौन सा देश है जो समाजवादी कहा जाता है, तो पहले ये वर्ड नहीं था। अभी जब मैं फैक्ट लिखवाऊंगा तो उसमें मैं लिखवाऊंगा कि पहले ये वर्ड था ही नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक, क्यों जोड़ा गया वो समझेंगे, लेकिन कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया वो भी हम समझेंगे, अभी फैक्ट हम समझेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझो उसका जो दूसरा शब्द है उसका मतलब है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। क्या इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो आंसर है कि इंडिया इज अ नॉट अ टोटली सोशलिस्ट कंट्री, भारत पूर्णतः एक समाजवादी देश नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। मतलब क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब ऐसे है कि समाजवाद होने का मतलब ये होता है कि समाजवाद की जो पहचान है वो दो आधारों पर लगाई जा सकती है। पहला जिसको हम मार्क्स सोशलिज्म कहते हैं, यानी मार्क्स का समाजवाद, लेनिन का समाजवाद, बहुत बड़ी थ्योरी है ये, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी समझोगे, ठीक है ना, मार्क्स का समाजवाद। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं फेबियन समाजवाद, ठीक है ना। तो भारत का जो समाजवाद है वो कौन सा समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है या फिर फेबियन समाजवाद है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि एक कैसा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में। तो दो समाजवाद होता है, एक जो समाजवाद है वो मार्क्स का समाजवाद, और जो दूसरा समाजवाद है वो है फोबियन या फेबियन समाजवाद। इन दोनों में क्या मतलब है, मार्क्स का समाजवाद और फेबियन समाजवाद का मतलब क्या होता है, तो जो कि मार्क्स ये बोलता है कि दुनिया का हर वो इंसान तब तक एक्सप्लॉइट किया जाएगा, यानी दुनिया का हर वो इंसान तब तक शोषित किया जाएगा, उसका तब तक शोषण होगा जब तक उसके पास पावर नहीं होगी, यानी एनी वन हु इज एक्सप्लॉइटेड विच हैव नो पावर, दुनिया का ऐसा हर वो इंसान हमेशा ही एक्सप्लॉइटेड किया ही जाएगा जब तक उसके पास पावर नहीं होगी। तो लोग पूछता है पावर कहाँ से आएगी, तो पावर आएगी कि आप अपना सारा का सारा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज अपने हाथ में ले लीजिए। तो हम अपने हाथ में कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए आप क्रांति कर दीजिए, उसके लिए आप खून खराबा करिए, जिसको हम लाल सलाम कहते हैं, ठीक है ना, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स समाजवाद लाने का तो बात करता है, मतलब समाजवाद क्या है कि सभी लोग समान है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सभी को समान रूप से देखता है, सभी को समान रूप से अधिकार देता है और समानता की बात करता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम समाजवादी कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, मार्क्स का और फेबियन, बहुत प्रकार का होता है, लेकिन अभी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। लेनिन का अपना एक अलग समाजवाद है, वो मार्क्स से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो मार्क्स का जो समाजवाद है वो ये कहता है कि जितना भी ये पूंजीवादी लोग है, इन्होंने सारा का सारा धन अपने हाथ में रखा हुआ है और मुट्ठी भर लोग उसके गुलाम हैं, तो आपका शोषण किया जा रहा है, आप क्या करिए, इनको मार के गिरा दीजिए, मतलब आप रिवोल्यूशन करिए, क्रांति करिए। क्रांति की बात करता है, रिवोल्यूटरी की बात करता है, कि सोशलिज्म रिवोल्यूशन मतलब क्रांति से जब कोई समाजवाद आएगा, तो ऐसे समाजवाद को हम मार्क्स का समाजवाद कहते हैं। मार्क्स के समाजवाद में जो केंद्र बिंदु है, यानी अगर हम कहेंगे कि क्या मार्क्स का समाजवाद कब होगा, यानी मार्क्स के समाजवाद में केंद्र बिंदु क्या होगा, तो मार्क्स के समाजवाद में जो केंद्र बिंदु है वो है समाजीकरण। यानी समाजीकरण की जब हम बात करेंगे तो वो मार्क्स का समाजवाद कहा जाएगा। मतलब मार्क्स का समाजवाद आप मतलब कैसे समझेंगे, आ गया, मतलब कहने का है कि जैसे एक कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहा है, तो 100 वर्कर को आप एक काम करिए कि सभी को ब्रेड एंड बटर, मतलब कहने का है कि जितना भी लोग है उनको पहले आप उनकी बेसिक नेसेसिटीज दे दीजिए। मतलब पैसा इनकम बेस पर नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, ऐसे समझ लो कि इन्वेस्टमेंट बेस पर, मतलब हर किसी को बराबर का हक मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, समाजीकरण हो जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी ने केशवानंद भारती केस और बहुत सारा केस है जहां पर भूमि का समाजीकरण कर दिया, जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, जैसे कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कोई भी चीज कर देना, उसको हम कहते हैं समाजीकरण कर देना। तो जब भी कोई भी देश किसी भी समाजीकरण पर ध्यान देता है तो उसको हम कहते हैं कि वो मार्क्स समाजवाद है। लेकिन अगर कोई भी देश
डेमोक्रेटिक की बात करता है, यानी सोशलिज्म विथ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक की बात करता है, यानी ये बात ये करता है कि देखो हम ये जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग अमीर है और बहुत सारा लोग गरीब है, लेकिन उसके लिए तुम क्रांति मत करो, उसके लिए तुम एक काम करो कि तुम एक नियम आओ जिसको हम कहते हैं लोगों का तंत्र, लोग एक तंत्र बनाएगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तीन प्रकार से काम करेगा। जो पहला प्रकार से काम करेगा, वो पहला प्रकार से जो काम करेगा किसी भी लोकतंत्र का जो स्तंभ है, जो पहला प्रकार से काम करेगा वो है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी लॉ को, कोई भी नियम को चलवाएगा सबके बीच में। और जो दूसरा होता है वो है विधायिका, यानी जो कानून बनाती है। और जो तीसरा होता है वो क्या है, न्यायपालिका। ठीक है ना, यानी एक सरकार का गठन करेंगे हम, और इस सरकार के तीन अंग होंगे। जो पहला हो मतलब डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक समाजवाद, और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें विभिन्न कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका कार्यपालिका। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो पहला है आपका कार्यपालिका, दूसरा है आपका विधायिका, और तीसरा है आपका क्या, न्यायपालिका। तो जहां पर कोई भी डेमोक्रेटिक होता है समाजवाद, वहां पे कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, और जुडिशरी होता है। जहां पे ये तीनों काम करे, और इसके बाद हम लोगों को समान बनाने की बात करें, ऐसे समाजवाद को हम फेबियन समाजवाद कहते हैं, या ऐसे समाज को हम नेहरूनिज्म कहते हैं, या ऐसे समाजवाद को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा इसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। यूपी पीसीएस ने एक बार, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने एक बार एक पूछा हुआ है कि भारत का जो समाजवाद है वो किस प्रकार का समाजवाद है। भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है या एक समाजवाद है, याद रखना इस शब्द को। अगर आएगा और लोकतांत्रिक आएगा तो वो सही होगा, अगर मार्क्सवादी आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका हम भारत के लोग, दूसरा हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और तीसरा शब्द हो गया समाजवादी। ठीक है ना, अब अगला चलते हैं हम। और अगली टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। जो अगली टर्मिनोलॉजी है, जो अगला इसका भाग है, वो है आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यानी सेकुलर। अब ये भी वर्ड बाद में जोड़ा गया, ठीक, अभी समझेंगे कि कौन कौन सा वर्ड बाद में जोड़ा गया, सारा फैक्ट में लिखवा दूंगा, पहले ये टर्मिनोलॉजी पूरी समझा दूं एक बार। हम भारत के लोग यानी इंडिया ही एक्सेप्ट करता है पूरे संविधान को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, यानी इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ही लेता है। तीसरा आपका क्या है, समाजवादी, यानी भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के थ्रू सभी को समान बनाने की बात करता है। तीसरा है, चौथा जो है आपका वो है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। देखो दो वर्ड है, पहला जो वर्ड है वो है आपका धर्म निरपेक्ष, और जो दूसरा वर्ड है उसको हम कहते हैं निरपेक्ष। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो है आपका पंथ निरपेक्ष। याद रखना, अगर आप यूपीएससी को प्रीलिम्स देना चाहते हो तो दुनिया का कोई भी बंदा सिर्फ हिंदी में पढ़ के कभी नहीं निकाल सकता है। उसका कारण ये है, बहुत बहुत ज्यादा वो लोग गूगल ट्रांसलेट कर देता है, तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद रखना चाहिए। जितना भी लोग यूपीएससी देना है जिनको, ये बात याद रखना कि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की पक्का पता होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक, प्रीलिम्स नहीं पास कर पाओगे, मेंस तैयारी करके पाओगे क्या? तो धर्म निरपेक्ष और दूसरा होता है पंथ निरपेक्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या है सर, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? अगर मैं इसके पांच गुण बताना चाहूं कि कोई भी जो देश है वो सेकुलर कैसे हो गया, यानी कोई भी देश पंथ निरपेक्ष कैसे हो सकता है, तो वो इस तरह से हो सकता है कि कोई भी देश पंथ निरपेक्ष तभी होगा। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न से आया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, कोई भी देश सेकुलर या पंथ निरपेक्ष तभी हो सकता है जब राज्य का अपना कोई धर्म ना हो। यानी भारत का जो पंथ निरपेक्ष है, जो एक केस में बताया गया कि यहाँ का जो पंथ निरपेक्ष है उसका मतलब क्या है, वो ये बताया गया कि भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अपना कोई धर्म नहीं है मतलब क्या है, धर्म नहीं है, या देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट, स्टेट हैज नो रिलीजन, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो बौद्धिस्ट है, ना वो तो जैन है, कोई भी नहीं है, बहुत सारी रिलीजन। तो देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अब दूसरा ये है कि देयर इज स्टेट इज नॉट अ एंटी गॉड नॉट अ प्रो गॉड, यानी स्टेट ना तो एंटी गॉड होगा ना तो प्रो गॉड होगा। मतलब क्या है कि जो भारत का लोग है वो
अगर भगवान को मानता है ठीक, तो राज्य जो है उनके खिलाफ नहीं जा सकता और प्रो गॉड भी नहीं हो सकता। यानी भारत का जो सेकुलरिज्म है वो इस बात को मानता है कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है यानी पंथ निरपेक्षता है, वो एंटी गॉड भी नहीं है, वो प्रो गॉड भी नहीं है, यानी वो भगवान के विपरीत भी नहीं है और भगवान के पक्ष में भी नहीं है। मतलब वो एक न्यूट्रलिटी को शो करता है कि वो हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, सिख भी नहीं है और ईसाई भी नहीं है, और वो इन सब के विपरीत भी नहीं है। यानी ही इज नॉट द इट इज नॉट अ एंटी गॉड, नॉट अ प्रो गॉड। वो गॉड के एंटी में भी नहीं है और गॉड के तरफ भी नहीं है। ठीक, जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। और इंडिया का जो सेकुलरिज्म का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, वो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि राज्य जो है वो सभी के राज्य सभी के धर्म की रक्षा करेगा। मतलब सभी के धर्म की रक्षा करेगा का मतलब क्या है कि सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगा, सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट देगा। कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके संरक्षण करने का जो अधिकार है वो किसका होगा, राज्य का होगा। तो राज्य का जो सेकुलरिज्म है वो किस आधार पर बताया जा सकता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा ये है कि राज्य ना तो भगवान के खिलाफ है ना तो भगवान के पक्ष में है। मतलब वो किसी भी ईश्वर अल्लाह भगवान यीशु के खिलाफ भी नहीं है और वो ईश्वर अल्लाह यीशु भगवान के पक्ष में भी नहीं है। अब राज्य जो है वो दूसरा ये है कि राज्य सभी धर्मों की रक्षा करेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो चौथा पॉइंट ये है कि भगवान यानी गॉड स्टेट के या लेजिस्लेचर के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब कहने का है कि कोई भी धार्मिक मुद्दा जो है वो कभी भी स्टेट में आ करके हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक, बस ये तीन ही पॉइंट रखो, ज्यादा सही है, बहुत डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, नहीं सेकुलरिज्म ही चलने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य एंटी गॉड या प्रो गॉड नहीं है, राज्य हर धर्म को एक विशेष दर्जा देगा, सबको समान दर्जा देगा और सभी धर्मों की रक्षा करेगा। ये भारत का क्या है, सेकुलरिज्म है। अब सवाल ये उठता है कि पंथ निरपेक्ष सर क्या है और धर्म निरपेक्ष क्या है। ठीक है ना, अब इसमें धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है सर, बहुत लोगों का ये सवाल होगा। ठीक है ना, तो भारत के पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब ये है कि असल में भारत का जो धर्म है, ठीक, अब बहुत लंबी कहानी है, कभी हिस्ट्री में आपको सर पढ़ाएंगे कि भारत का ये जो कहानी है, यहाँ का जो धर्म था उस धर्म का मतलब भगवान से था ही नहीं। यहाँ शंकराचार्य ये कहते हैं कि जो भारत का धर्म है वो जीवन जीने की एक पद्धति है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो क्या नाम है, कोई जो आज हम मानते हैं धर्म, वो ऐसा नहीं है। वो जीवन जीने की एक पद्धति है जहां पर वो निराकार निर्गुण निर्विकल्प निरीह भगवान की कल्पना करते हैं। और वो कहते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई उनके पास कोई गुण नहीं है, वो निरीह है, वो निर्विकल्प है। और अगर तुम ऐसे राह पर जाओगे तो तुम मुक्ति के द्वार पर चले जाओगे। मतलब निर्गुण होना, निर्विकल्प होना और निरीह होना, ऐसा कहते हैं। बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते तक ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था को बिगाड़ा। मतलब बहुत लंबी कहानी है, छोड़िए। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, धर्म एक ध्री धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है धारण करना। ठीक, अब मैं ये तुमको केवल समझा दे रहा हूँ, बाकी आपके किसी एग्जाम में आएगा नहीं। तो धर्म निरपेक्ष जो है वो ध्री धातु से बना जिसका मतलब है धारण करना। कोई भी इंसान कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ तो वो धारण करता ही होगा। अगर वो पिता होगा तो उस पिता पुत्र का कोई धर्म होगा, अगर माँ है तो माता पुत्र का कोई धर्म है, अगर पति है तो पति पत्नी का धर्म है। धर्म से बाहर कोई नहीं जा सकता है, पंथ से बाहर जा सकता है। पंथ एक रास्ता है, एक वे है जो किसी भी मंजिल तक लेकर के जाता है। हिंदू धर्म में वो मंजिल क्या है, मोक्ष। मुस्लिम धर्म में वो मंजिल क्या है, जन्नत। इसी तरह से हेवेंस की बात करते हैं ईसाई लोग, तो एक रास्ता है जिसका नाम है पंथ, जो किसी भी उद्देश्य तक लेकर के जाता है। लेकिन धर्म का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, तो भारत में सेकुलरिज्म का जो मतलब है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। अभी ये समझ में आ रहा है, एक बार मैसेज करो तुम लोग, देखो ये समझ में आ रहा है, एक बार मैसेज करिए पहले, क्या ये समझ में आ रहा है, एक बार आप मैसेज करेंगे। नास्तिक होगा ना, नास्तिक होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। जानवी गुप्ता यस सर, प्रिया वर्मा यस सर, अनु सिंह यस सर, दिव्यांशी सिंह यस सर,
वंदना यस सर, रागिनी यस सर, वर्षा सिंह, UPSI यस, प्रशांत सिंह यस सर, रुचि मौर्य यस सर। कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। आई होप यू हैव नो क्वेश्चन। यस यू डोंट हैव। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली टर्मिनोलॉजी है पंथ निरपेक्ष के बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र। ठीक, देखिए जैसे अभी अभी का मुद्दा आप देख रहे होंगे कि लोग बोलता रहता है कि भारत के लोकतंत्र की धज्जी उधड़ दे रहे हैं, तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी अगला जो वर्ड है वो आपका है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। ठीक, अब लोकतंत्र के अपने दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली और प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक प्रणाली, और एक हिंदी नहीं आ रहा है मुझे, मतलब दो सिस्टम होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है ना, एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक होता है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी दो प्रकार का जो आपका लोकतंत्र होता है उसका दो प्रकार का सिस्टम काम करता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी और एक होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली और एक होता है आपका, इसका हिंदी क्या है यार, देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या है, तो दो सिस्टम है, एक है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहले लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों, जनता का, जनता लिए जनता पर शासन, यानी एक ऐसा शासन जो जनता का है, एक ऐसा शासन जो जनता के लिए है और एक ऐसा शासन जो जनता पर है, यानी एक ऐसा शासन जो जनता के लिए हो, एक ऐसा शासन जो जनता पर हो और जनता का हो। मतलब कोई भी देश लोकतांत्रिक देश है ये कैसे पता लगाया जा सकता है? कुछ लोग कमेंट किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कमेंट दिखाइए जरा। नहीं ये नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ। इसको अध्यक्षात्मक कहते हैं, नहीं नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम छोड़ो। देखो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए तथा जनता पर शासन। यानी कोई भी कंट्री लोकतांत्रिक तभी है, वो लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब हम ये कहेंगे जनता का, जनता के लिए तथा जनता पर शासन, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसमें, तीन वर्ड हमने देखा, जनता का, ठीक है, जनता के लिए, ठीक, जनता के लिए तथा जनता पर शासन। ऐसा अगर तीन वर्ड आपको मिल जाएगा किसी भी कंट्री में तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है लोकतंत्र, मतलब लोगों का तंत्र, लोगों ने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी लोगों ने अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए एक बॉडी का, एक निकाय का जन्म किया, उसको उदय किया, उसको बनाया, उसको फॉर्म किया, जिसको हम कहते हैं सरकार, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। अब उस सरकार के उसने तीन अंग बनाए। जो पहला अंग उसने बनाया उसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका, यानी जो हमारे द्वारा बनाए गए विधान को उसको सभी तक लेकर के आती है और उसको पालन करवाती है। दूसरा बनाया गया विधायिका, विधान बनाने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और जो तीसरा है न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका और विधायिका या फिर कोई भी जनता या कोई भी इंसान अगर सुचारू रूप से काम नहीं करता है तो न्यायपालिका उन पर क्या करेगी, अपना फैसला सुनाएगी, उनको न्याय देगी, उनको निर्णायक कुछ भी निर्णय देगी, उसको हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक, और जो उसका चौथा स्तंभ है वो क्या है, प्रेस यानी मीडिया, वो इसका कौन सा है, चौथा स्तंभ है, जो अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर कोई भी अगर अपना सही सुचारू रूप से काम नहीं करता है तो मीडिया या प्रेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं और दोबारा उस गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, गिरा सकते हैं उसको, या फिर कहने का मतलब है कि उस गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी जो खास बात यह है कि यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक जो पहला होता है वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेटी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें से पहले उत्तर बताओ,
इंडिया कैसी डेमोक्रेटी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बताइए एक बार, कमेंट करिए एक बार। हाँ, संसदीय प्रणाली, ठीक, अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली, धन्यवाद। ठीक, तो दो प्रणाली है, एक प्रणाली क्या है आपकी, अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, और एक है आपका संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अध्यक्षात्मक प्रणाली मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अभी मैं इसको समझाता हूँ, पहले ये बताओ कि भारत की डेमोक्रेसी कौन सी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कुछ लोग लिख रहा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट दोनों। अंजलि मिश्रा SSC 7th, ये अकेले लिखी है दोनों, तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, एकदम इनडायरेक्ट का बाहर लगा दिए तुम लोग। ठीक, तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो असल में, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई सिविल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आप देंगे बोथ, दोनों। क्यों, कैसे समझ में आ गया सर, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, नगर पालिका के चुनाव में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ग्राम पंचायत में, यानी पंचायती राज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, जितना भी लोग प्रेशर है, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है, जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने किसी उम्मीदवार को चुनता है। जैसे अगर आपका घर प्रतापगढ़ में है, तो प्रतापगढ़ में आपने प्रत्यक्ष रूप से किसको चुना, अपने सांसद के रूप में तो संगम लाल गुप्ता जी को चुना। क्या आपने प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुना, नहीं। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है, क्या वो हमारे ही वोट से बनता है, बिल्कुल हाँ, लेकिन क्या प्रत्यक्ष हमारे वोट से बनता है, नहीं बनता। हम किसको चुनते हैं, सांसद को, यानी हमने किसको चुना, तो उत्तर है कि हमने संगम लाल गुप्ता जी को चुना। संगम लाल गुप्ता जी ने किसको चुना, हमारे लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुना। ठीक, तो कोई भी लोकतंत्र अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा या वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है जहां पे तीन सिस्टम हो, रेफरेंडम हो, रिकॉल हो, और उसके बाद इसमें मतलब डायरेक्ट वोट हो, ये तीन सिस्टम हो, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। अब एक ही वर्ड में समझ लो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है जहां पे जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेकर के किसी भी नेता को या किसी भी मंत्री को चुनता है, या किसी भी मंत्री का चुनाव करता है, किसी भी नेता का चुनाव करता है और नेता का फॉर्मेशन होता है। ऐसे डेमोक्रेसी को या ऐसे लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि जहां पर जनता जो चुनाव देकर, जनता जो अपना वोट देता है, जनता जो अपनी भागीदारी होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव, ऐसे सारे जो चुनाव होते हैं उसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। जनता का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का कोई आदमी होता है, वो चुनता है किसी दूसरे को। तो जैसे ही अगर कोई डायरेक्ट रूप से चुनता है तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, अगर इनडायरेक्ट रूप से चुनता है तो उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। अब अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है, वेयर पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है, तो इसमें एक मूल अंतर ये है, जो संसदीय प्रणाली है उसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव यानी यहाँ पे जो कार्यपालिका होगी, वो कार्यपालिका विधायिका से अलग नहीं होती है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका एक ही होती है। क्या मतलब सर इसका, इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका का मेंबर विधायिका का मेंबर हो सकता है, यानी वो इंसान जो सरकार चला रहा है, मतलब क्या है कि जो कार्य को पालन करवाने का काम कर रहा है, वो इंसान विधान बनाने में भी काम कर सकता है, यानी वो दोनों जगह काम कर सकता है, वो अलग नहीं है या करता भी है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो डिपेंडेंट बॉडी है। तो कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम तभी होगा जब वहां पर कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग काम नहीं करता, वो एक दूसरे से मिला होता है। जहां पे जो सिस्टम होता है वो पार्टी सिस्टम होता है, यानी एक पार्टी के द्वारा, एक हम ऐसे तुम समझ लो कि एक पार्टी द्वारा कोई भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को चुना जाता है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बात पे निर्भर हैं
कि क्या उनकी जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी, क्या वो उस पर निर्भर है? तो बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है। अगर उनकी पार्टी नहीं चाहेगी तो, अगर मान लो बहुमत नहीं देती है या बहुमत सिद्ध नहीं होता है अशोक गहलोत की तरह, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए मध्य प्रदेश में जैसा हुआ, तो अगर ऐसा होता है कि वहां पर वो अपना बहुमत या मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं, हम बाद में इसे सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, अगर वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो क्या होगा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या खास बात होती है? वो खास बात ये होती है कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है वो निर्भर होता है एक पार्टी पर, एक आपका ऐसे समझ लीजिए कि एक उसको क्या बोलते हैं कलेक्शन पर निर्भर होता है। जबकि अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी जो उसमें कार्यपालिका होती है और उसमें जो विधायिका होती है वो दोनों अलग होती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अलग अलग संबंध होते हैं, वो एक नहीं हो सकता। यानी कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव यानी संसदीय प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक हो सकता है। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट बनता है यानी यहाँ का जो राष्ट्रपति बनता है वो पार्टी सिस्टम से नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पार्टी नहीं है। अभी कुछ लोग कहने लगेगा कि वहां भी तो दो पार्टी है, यूएसए में है, अमेरिका में, वहां भी तो पार्टी है। मैं वो कहीं नहीं रहा हूँ कि पार्टी नहीं होना या नहीं होना, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी सिस्टम का होना या नहीं होना। मतलब क्या है कि वहां की पार्टी पर वो निर्भर नहीं है। पार्टी अगर अपना बहुमत हटा ले तो वो गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में ऐसा ही है, देखो यूएसए है वह पार्टी, मतलब अमेरिका में भी पार्टी है लेकिन पार्टी सिस्टम नहीं है। मतलब कहने का है कि वहां के राष्ट्रपति का ये निर्भरता नहीं है कि पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं देगा तो वो दिक्कत में आ जाएंगे। वहां पर जो है वो पार्टी सिस्टम वर्क ही नहीं करता, यहाँ पर जो है वो पार्टी सिस्टम वर्क करता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली हो गया। भारत कैसी प्रणाली है? तो भारत एक संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अमेरिका कैसी प्रणाली है? तो अमेरिका एक अध्यक्षात्मक प्रणाली है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ब्रिटेन कैसी प्रणाली है? तो ब्रिटेन एक संसदीय प्रणाली है। अब ये सब बात हमको लिख लेना है कहीं पर, क्वेश्चन पूछा गया है पता नहीं कितना बार, पता नहीं कितने वनडे एग्जाम में, कि भारत की जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है। तो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो कैसी डेमोक्रेसी है? तो फॉर योर वन डे एग्जामिनेशन आप क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये हमने समझा लोकतंत्र। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, इसका नाम ये है गणराज्य या फिर रिपब्लिक। इतना समझ में आया है? एक बार कमेंट करो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन यू हैव? देखो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? If you have any question, you can ask. You have any question? यहाँ तक देखो कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर प्रश्न है तो प्रश्न लिखो, प्रश्न नहीं है तो एक बार नो लिखो, प्रश्न है तो यस लिखकर कोई प्रश्न पूछो। कंचन क्या प्रश्न है? जानवी गुप्ता नो सर, भागिनी नो सर, वर्षा सिंह नो सर, श्रेया नो क्वेश्चन, सुशांत सिंह नो सर, प्रज्ञा पांडे नो सर। कंचन समझ में आ गया, अंकिता गुप्ता सुपर टेट नो सर। चलिए अब हम समझते हैं रिपब्लिक, ठीक। बस टर्मिनोलॉजी को समझाने के बाद मैं आपको सारा फैक्ट लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, एक चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा जिसका नाम है प्रस्तावना, ठीक है। और आपको करना क्या है कि सिर्फ एक बार थारूली, अगर लक्ष्मीकांत है तो एक बार आपको लक्ष्मीकांत सिर्फ रीड कर लेना है, या फिर बेयर एक्ट, जो भी किताब आपके पास है, ठीक है ना। देखिए अब आपको करना क्या है कि ये तो बात समझ गए हम, अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है सर? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री रिपब्लिक कैसे है, ठीक, कैसे कोई गणराज्य होता है, ठीक है ना, या गणतंत्र का मतलब क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा? हाँ तो ऐसे ही होगा, मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, या गणतंत्र का मतलब क्या होता है, या गणराज्य कैसे है, ठीक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रम बताओ, भारत के प्रस्तावना में जो क्रम है, अभी कराऊंगा क्वेश्चन में 50-60 हो, उसमें लिखा होगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सीरियल से मैं बता रहा हूँ और सीरियल से एकदम लिखते चलना है। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है, या कोई भी कंट्री रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कि जहां पर उसका हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है यानी जो उसका प्रमुख होता है, जो उसका फर्स्ट सिटीजन होता है, जैसे यहाँ पर जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, या फिर आपको समझ लो कि यहाँ पर जो आपका भारत का प्रथम नागरिक है वो कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक ना, राष्ट्रपति। देख जाना कहीं मात्रा वत्रा में
चक्कर रहता हिंदी में बहुत। तो यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो उनका जो चुनाव, वो जो रखे जाते हैं वो हेरिडिटरी नहीं है, मतलब वो क्या है, वंशानुगत नहीं है, उनका चुनाव होता है। तो किसी भी देश का अगर जो सबसे पहला नागरिक होता है, या किसी भी देश का वो इंसान, ऐसे समझ लो कि किसी भी देश का वो इंसान जो चुनाव द्वारा चुना जाता है, वो कोई भी हो सकता है, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है, यूपीपीसीएस ने, यूपीएससी ने नहीं पूछा, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, जाके देखना कि भारत का जो गणतंत्र है वो किस हद तक गणतंत्रात्मक है, उस पर टिप्पणी कीजिए। अब वो मेंस का क्वेश्चन है तो यहाँ कराएंगे नहीं, लेकिन वो आपको मेंस में देखने को मिलेगा। लेकिन आप ऐसे समझ लो कि अभी गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी देश का जो पहला नागरिक होता है, या उसका जो जो सबसे जो उसका पहला नागरिक का मतलब है कि जो उसमें इम्पोर्टेंट मेंबर होता है, या उसका पहला जो नागरिक होता है, या फिर ऐसे समझ लो जो हेड होता है स्टेट का, अगर वो चुनाव के द्वारा चुना जाता है तो हम कहेंगे कि वो रिपब्लिक है, अगर वो चुनाव के द्वारा नहीं चुना जाता है तो वो रिपब्लिक नहीं है। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चुना जाता है, राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव होता है, ठीक, वो हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है। क्या यूएसए है? तो आंसर है कि हाँ, यूएसए भी क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। ये जो ब्लू चल रहा है उसको मत दो यार, ब्लू वाला नहीं दो, सिर्फ ब्लैक जो चल रहा है वही दो चला के, ठीक। तो इंडिया जो है वो क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है वो चुनाव के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। लेकिन क्या ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री है? नहीं। तो सबसे पहले कि क्या यूएसए एक रिपब्लिक कंट्री है, एक गणतंत्र गणतंत्रात्मक देश है? बिल्कुल है। क्या आपका ब्रिटेन है? तो आंसर है कि ब्रिटेन नहीं है, ठीक, क्योंकि मोनार्की है, वहां पर चुना जा नहीं जाता है, वहां पर जो राजा रानी होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। क्या आपका इंडिया, जो इंडिया है, क्या वो गणतंत्रात्मक है? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब भी कभी किसी देश के हेड का चुनाव होता है तब वो चुना जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो रिपब्लिक है। अगर उसके बिना चुनाव के ही उसको वंशानुगत रूप से एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम कहेंगे कि वो गणतंत्रात्मक नहीं है। तो अगली टर्मिनोलॉजी को हमने क्या समझा? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि व्हेन हेड ऑफ द स्टेट इज फॉर्मड बाय द इलेक्शन, देन दैट कंट्री इज नोन एज अ रिपब्लिक कंट्री, एंड दैट कंट्री विच इज नॉट वेयर The head of the state is not elected, that country is a non-republic country. तो country कोई भी republic या गणतंत्रात्मक तभी हो सकता है जब वहाँ का राष्ट्रपति या वहाँ का राजा रानी जो भी हैं वो चुने जाते हों, तो वो republic होगा। Okay, now leave this all and we will move forward. न्याय, ठीक है ना? अब भारत का जो प्रस्तावना है उसमें क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहां तक हम समझ चुके हैं एक एक लाइन। अब अगली बात जो समझना है हमको वो समझना है न्याय के बारे में, यानी यहाँ पर अगला जो है वो न्याय है। अब बात को ध्यान से सुनना, भारत के अंदर कितने प्रकार के न्याय पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 20 बार पूछा होगा कमीशन ने, 20 बार पत्नी एग्जाम में पूछा होगा कौन से न्याय नहीं पाए जाते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, बताएगा बताओ इसमें से कौन सा है जो न्याय नहीं पाया जाता है। तो और उसका क्रम भी याद रखना है, ये बात हमेशा याद रखना है कि भारत में जो न्याय है यानी जो यहाँ पर जस्टिस है वो कितने प्रकार का जस्टिस पाया जाता है, और उसका क्रम क्या है, और कौन सा न्याय इसमें नहीं पाया जाता, कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो पहला यहाँ पर जो जस्टिस है वो क्या है? सोशल। दूसरा है वो क्या है आपका? इकोनॉमिक। और तीसरा है वो आपका क्या है? पॉलिटिकल, ठीक। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द फर्स्ट इज सोशल यानी सामाजिक न्याय, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका वो क्या है? इकोनॉमिक यानी आर्थिक न्याय। और जो तीसरा है वो क्या है आपका? पॉलिटिकल यानी आपका राजनीतिक न्याय। तो तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था भारत में पाई जाती है। पहली प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक यानी सोशल जस्टिस। जो दूसरी प्रकार की व्यवस्था है वो क्या है आपका? इकोनॉमिक यानी आर्थिक। और जो तीसरा है वो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मान लो ऐसा ही एक प्रश्न बना देगा, और बनाया भी है, पीसीएस में बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा एक और सन भी बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा। तो एक ऐसा बताया गया है कि कौन सी न्याय व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन सामाजिक कर देगा, दूसरा ऑप्शन इसमें आर्थिक कर देगा, और तीसरा ऑप्शन इसमें कर देगा राजनीतिक, और चौथा ऑप्शन इसमें बहुत आराम से धीरे से कर देगा धार्मिक
और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि भारत में धर्म इतना ज्यादा रहता है, तो पक्का ही होगा, और आप तो गलत करके चले आएंगे। तो भी गलत नहीं होना चाहिए। भारत में तीन ही प्रकार का न्याय पाया जाता है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा न्याय नहीं पाया जाता? धार्मिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भारत में धार्मिक न्याय नहीं पाया जाता है, या धार्मिक न्याय की व्यवस्था नहीं है। ठीक। अब न्याय का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है? जहां पे इक्वलिटी की बात हो, समानता की बात हो, ठीक है ना, हर आदमी समान है और हर आदमी को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, उसको हम कहते हैं जस्टिस, या उसको हम न्याय कहते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट होगा उस न्याय की परिभाषा को वो एक दिन तक बता सकता है, लेकिन हमें उतना सब नहीं, मैंने पहले ही कहा कि आपको मेंस का इसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो आपको इतना इलोबरेट करके कुछ समझना ही नहीं है। न्याय का मतलब ये है कि जहां पर सभी इंसान एक नियम के सामने समान है, उसके साथ न्याय हो रहा है, वो हम तभी कहेंगे जब वो क्या होगा, समान होगा। ठीक। कैसे समान होगा? सामाजिक रूप से समान, यानी रंग, जाति, भेद, लिंग, संप्रदाय आदि के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपका बोलता है 15 क्लॉज 1। ठीक, समझाएंगे, मौलिक अधिकार भी समझाएंगे, यानी किसी भी इंसान को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होता है, तो वो कैसा न्याय हुआ? सामाजिक न्याय हुआ, यानी उसको सामाजिक न्याय मिल रहा है। इकोनॉमिक न्याय का मतलब यह है कि सभी इंसान को, ध्यान से सुनना, सभी इंसान को बराबर का हक है कि वो कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसको छूट होगी आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के अंदर ये न्याय पाया जाता है, सामाजिक मतलब धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, भेद आदि के आधार पर उनके साथ कोई भेद नहीं किया जाएगा, वो सामाजिक न्याय को बताता है। उसमें इकोनॉमिक न्याय का मतलब है कि भारत के हर नागरिक को अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम करने का अधिकार है और वो कोई भी वर्क कर सकता है। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाने का अधिकार नहीं है कि तुम लोग उल्टा ही सोचने लगे, कुछ लोग उल्टा ही सोचता है, ये तो नहीं है इसमें, नारकोटिक्स तो नहीं है, तो तुम टेररिस्ट के लिए यहाँ पे पढ़ने ही क्यों आए हो? अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो जाओ फिर टेररिस्ट बन जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो दूसरों को, दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन ना करता हो, ऐसा सारा काम करने का अधिकार है यहाँ पर। ठीक। तो सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय और पॉलिटिकल, राजनीतिक का मतलब यह है कि भारत के इंसान को अवसर की समान, मतलब कहने का है कि हर इंसान, क्राइटेरिया क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का क्राइटेरिया बनने का क्या है, कौन है भारत का प्राइम मिनिस्टर, कौन बन सकता है? 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, बन गया कोई भी इंसान, यहाँ पे चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, उसका उसके पास एबिलिटी है, तो यानी क्या है वहां पर राजनीतिक समानता है कि चाय बेचने वाला इंसान भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी यहाँ पर जो न्याय है वो राजनीतिक रूप से न्याय मिलता है। तो ऐसा कोई न्याय जहां पर, ऐसा कोई देश जहां पर आर्थिक और राजनीतिक न्याय पाया जाता है, तो भारत देश है, और वहां पे धार्मिक न्याय की व्यवस्था नहीं है। ये जो भारत का न्याय है, यानी यहाँ पर जो ये जो जस्टिस है, ये जो जस्टिस यानी भारत की जो न्याय व्यवस्था है, अगर ये पूछा जाए कि जस्टिस लिया से कहां गया है, यानी प्रियम्बल में जस्टिस जो शब्द है वो लिया से कहां गया है, तो आपका आंसर होगा ये रशियन रिवोल्यूशन से, यानी रूसी क्रांति से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया है, और वो कौन सा सन में था, 1917। यानी ये क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि जो भारत का न्याय है, यानी भारत का जो जस्टिस है, वो जो उसमें जस्टिस पाया जाता है, वो कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो रूस की क्रांति 1917 से प्राप्त किया गया। अब ये कैसे प्राप्त किया गया, इसको हम इलिबरेट नहीं करेंगे, सिर्फ हमको फैक्ट लेना है, बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर मेन्स एग्जामिनेशन। ओके, तो भारत में कितने प्रकार का न्याय है, तीन, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। या ये न्याय कहाँ से प्राप्त हुआ है, रूस की क्रांति से हुआ है। कौन सा न्याय इसमें नहीं पाया जाता है, धार्मिक न्याय इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब अगला हम चलते हैं न्याय के बाद, जो अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्वतंत्रता, ठीक है ना। अब इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक, अब ये स्वतंत्रता को हम समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद आपका एक समानता और आगे डिग्निटी को समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले स्वतंत्रता को देखते हैं। तो भारत, हमने क्या समझा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसका एक एक शब्द समझे। उसके बाद भारत के लोगों को क्या हमने, न्याय, ठीक, कितने प्रकार का न्याय, तीन प्रकार का न्याय। अब हम समझने जा रहे हैं स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता भारत में कितने प्रकार की दी गई है, यानी स्वतंत्रता को क्या कहेंगे हम, लिबर्टी, यानी कितने प्रकार की लिबर्टी भारत में दी गई है। तो विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है ना, देखो, तो स्वतंत्रता यानी इसको हम क्या कहेंगे, लिबर्टी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी फाउंड इन इंडिया, तो क्या हो भैया, चल नहीं रहा क्या, सही नहीं दिख रहा,
सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, हाँ ये सही है। विचार, उसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन, थॉट, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, रिलीजन और फेथ, ठीक है ना। इसका एक तो हिंदी और है यार, इसको क्या कहेंगे, बिलीव, हाँ विश्वास, इसको हिंदी में कहेंगे विश्वास। तो भारत में कितने प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है, पांच प्रकार की, जिसको क्या है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ठीक है ना, और क्या है आपका, रीजन और फेथ, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया में यानी भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत के प्रस्तावना में यानी संविधान की प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है। जो पहली प्रकार की स्वतंत्रता है वो क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है ना, इसको कहेंगे वर्शिप, ये कहेंगे फेथ, ठीक है ना, वर्शिप और फेथ, वर्शिप और फेथ, ठीक। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है, पांच प्रकार की। जो पहला है वो आपका क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप एंड फेथ, ठीक। अब ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अब सबसे पहला बात यह है कि सर विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है। तो विचार जो है वो एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया का मतलब क्या है कि मेरे विचार में ये व्यक्ति एक गलत इंसान है, या फिर ऐसे समझो कि मान लो कि कोई एक लड़का है, कोई इंसान है, उसने कुछ गलत होते हुए देखा, तो उसके अंदर ये चल रहा है कि तो गलत काम है यार, ये तो उसने गलत किया, लेकिन उसने वो बात छुपा लिया या फिर उसने वो बात दर्शा दिया। तो एक बात ऐसे समझो कि मानसिक कोई भी चीज है, मतलब कोई भी कुछ भी सोच सकता है, उसको स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है, मानसिक स्वतंत्रता है, मतलब विचार करने की स्वतंत्रता, चलो विचार करो। तो विचार कैसी क्रिया है, मानसिक क्रिया है, लेकिन अभिव्यक्ति कैसी क्रिया है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। जैसे तुम ऐसे समझो कि एक विचार है, और वो विचार है कि कभी भी किसी भी इंसान को धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, या फिर एक विचार ये है कि हर एक इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी करना चाहिए, ये एक विचार है कि उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसको अभिव्यक्ति के रूप में लाने वाला जो इंसान है वो कौन है, आमिर खान, और उसने एक मूवी बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सी मूवी थी वो, थ्री इडियट्स ना। तो कहने का मतलब यह है कि विचार का मतलब यह है कि एक मानसिक क्रिया है, अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि प्रदर्शन क्रिया, मतलब प्रदर्शित करते हैं हम इसको, विश्वास मतलब हम किसी भी में विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो हम चाहे तो हम धर्म को नहीं माने, चाहे तो हम धर्म को माने, हमारा विश्वास कहीं पर भी हो सकता है, किसी को मानने में या किसी को नहीं मानने में, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है उस धर्म को माना जा सकता है, और कोई भी धर्म को धारण किया जा सकता है, और किसी भी प्रकार की उपासना की जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से कि हमारी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां किसी की स्वतंत्रता उत्पन्न होती है, और अगर वहां नहीं खत्म होगी तो वो कोर्ट में जाएगा, और हम बहुत सारा केस अभी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, केशवानंद भारती केस, ठीक है ना, बहुत सारा केस पढ़ेंगे। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता भारत के प्रस्तावना में पाई जाती है। विचार एक मानसिक क्रिया है, अभिव्यक्ति एक व्यवहारिक क्रिया है, विश्वास मतलब हम किसी में भी विश्वास रख सकते हैं, हम एनार्किस्ट भी हो सकते हैं, हम ईश्वरवादी भी हो सकते हैं, हम नास्तिक भी हो सकते हैं, कहीं पर भी विश्वास कोई भी रख सकता है, धार्मिक भी कोई इंसान हो सकता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को वो मानता है, और वो किसी भी धर्म के उपासना की स्वतंत्रता रखता है। मतलब कहने का है, अगर वो मुस्लिम है तो अजान करने की स्वतंत्रता रखता है, अगर वो हिंदू है तो मंदिर जाने की स्वतंत्रता रखता है। मतलब कहने का है कि उसकी उपासना पद्धति कभी भी हरास नहीं किया जाएगा, वो स्वतंत्र है अपने किसी भी प्रकार से किसी को भी मानने या किसी भी धर्म को धारण करने के लिए, ठीक है। तो भारत के प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है, तो भारत के प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है। अब स्वतंत्रता के बाद जो अगला वर्ड है वो है समानता, यानी इक्वलिटी, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है वो है इक्वलिटी, यानी अगला जो शब्द है वो है आपका समानता, ठीक। अब भारत के
प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता पाई जाती है? तो इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता, अवसर की समानता एंड इक्वलिटी इन है अवसर की समानता, और दूसरा है प्रतिष्ठा की समानता, इक्वलिटी इन स्टेटस। तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा यानी स्टेटस, प्रतिष्ठा ही तो कहेंगे ना, हाँ प्रतिष्ठा की समानता। तो भारत के प्रस्तावना में इक्वलिटी इन स्टेटस यानी इक्वलिटी इन स्टेटस एंड सेकंड इज व्हाट, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी यानी भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता बात बताया गया है? तो दो प्रकार की समानता की बात बताई गई है। जो पहली प्रकार की समानता है वो क्या है, अवसर की समानता, और जो दूसरी प्रकार की समानता है वो क्या है, प्रतिष्ठा की समानता यानी अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी इन व्हाट स्टेटस। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि हर किसी को उसके अवसर की समानता है, मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा, कोई भी कम नहीं माना जाएगा, अब कोई भी ज्यादा नहीं आका जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो रिजर्वेशन सिस्टम क्यों, मतलब अब जितना भी लोग जनरल कास्ट में होगा उसके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि फिर अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो क्यों रिजर्वेशन दे देते हैं। समझेंगे हम कि रिजर्वेशन क्यों देते हैं, आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये इक्वलिटी नहीं करता है, कैसे नहीं करता वो हम समझेंगे। लेकिन अभी तुम समझ लो कि भारत के जो प्रस्तावना है उसमें दो प्रकार की समानता पाई जाती है, जो पहली प्रकार की समानता है वो है अवसर की समानता, और जो दूसरे प्रकार की समानता है वो है प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये है अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी इन स्टेटस। अब प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है कि किसी के प्रतिष्ठा में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान गोरा है या कोई इंसान काला है, किसी का रंग अलग है, किसी का धर्म अलग है, जाति अलग है, लिंग अलग है, हम उसको ये कहेंगे नहीं नहीं ये प्रतिष्ठावान नहीं है। मतलब कहने का है कि ये कम, ये छोटा आंका जाएगा, ये बड़ा आंका जाएगा, क्योंकि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, या इस रंग का है, या इस संप्रदाय का, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। हर एक इंसान है यहाँ पर कि प्रतिष्ठा समान है, उसका अवसर भी समान रूप से ही दिया जाएगा। तो भारत के प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता पाई जाती है? तो भारत की प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता पाई जाती है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, ठीक है ना। अब दो वर्ड और है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता, एक अखंडता और बंधुता, ठीक है ना। अब व्यक्ति की गरिमा, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा, एकता, ठीक, एकता और अखंडता, ठीक, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एकता और अखंडता में क्या अंतर है, बंधुता एक और वर्ड है, बंधुता। अब ये सब एक साथ समझ लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इसमें कुछ है नहीं। एक अब ये समझ लो कि एकता और अखंडता में क्या है, हम सभी एक हैं और हम सभी अखंड हैं, इसका मतलब क्या है। देखो एकता जो है वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक, दिस इज अ मेंटल कॉन्सेप्ट। मेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम मानसिक रूप से एक सभी एक हैं, ये बात हम बोलते हैं, लेकिन हम सभी अखंडता है। मतलब अखंडता का मतलब क्या होता है कि ये एक ज्योग्राफिकल है, मतलब क्या है, भौगोलिक परिदृश्य में अगर हम देखें तो उसको हम कहेंगे अखंड है भारत, और अगर हम मेंटल परिदृश्य में, एथिकल या फिर परिदृश्य में देखें तो हम कहेंगे भारत में एकता है। एकता मतलब एकजुटता, मतलब एक है हर कोई, एकजुट है, कोई अलग नहीं है, धर्म जाति संप्रदाय सबके और भाषा सबके आधार पर सब एक है, ये एक मानसिक कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफिकल कि इंडिया ये इतना से यहाँ तक, ये इंडिया अखंडता को पाया जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बंगाल से लेकर के यहाँ तक, हर कोई एक ही है, इसको हम क्या कहेंगे, अखंड है भारत। मतलब कहने का है कि ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक परिदृश्य में अगर हम एक देखेंगे उसको हम अखंडता कह देंगे, मेंटल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो उसको हम एक देंगे। बंधुता का मतलब होता है कि सिस्टरहुड या चाइल्डहुड, मतलब ब्रदरहुड, मतलब वहां पर क्या होता है, बंधुता दो प्रकार की हो सकती है। मतलब कहने का है कि भाईचारा की भावना, यानी भाईचारा की भावना का मतलब है कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक हैं, बंधुत्व की है, भाईचारे की भावना है, लाइव, मतलब कहने का है कि हाँ ब्रदर सिस्टरहुड है, भी यहाँ पे भाई बहन है, जैसे मोदी सरकार बोलते हैं भाइयों तथा बहनों, मतलब यहाँ पे बंधुता पाई जाती है, मतलब सिस्टरहुड या ब्रदरहुड पाया जाता है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये होता है कि इंसान की जो अपनी डिग्निटी है, जो गरिमा है, वो गरिमा का कोई भी यहाँ पर सुरक्षा की जाएगी, यानी उसको गरिमा प्रदान की जाएगी, मतलब हर एक व्यक्ति की जो अपनी गरिमा होती है, जो मेरी गरिमा है वो मुझे मिलेगी, जो किसी और की गरिमा है वो उसको मिलेगी, यानी हर किसी व्यक्ति की जो गरिमा है
उसको बरकरार रखने का जो अधिकार है वो किसका है? तो आंसर है कि भारत की प्रस्तावना इसको बताता है। तो हमने क्या समझा कि यहाँ पर कितनी कितनी टर्मिनोलॉजी है। पहला क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद हमने समझा न्याय और समानता, और उसके बाद हमने क्या समझा कि व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता। आज हमने टर्मिनोलॉजी खत्म किया है, कल इसका फैक्ट आपको लिख पाऊंगा जितना भी प्रीवियस में फैक्ट आया हुआ है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया हो और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्लास, इस क्लास से संबंधित कोई भी सवाल है तुम्हारा तो पूछ लो। सर डेमोक्रेटिक फिर से बता दीजिए प्लीज। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बच्चा जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन। मतलब कहने का है कि जब जनता खुद निर्धारित करती है अपनी सरकार और अपने ही लिए निर्धारित करती है और वो खुद नियम बनाती है किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। जहां पर कोई चुनता है, मतलब जनता ही चुनाव करती है गवर्नमेंट का, ठीक, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म में। सर पंथ निरपेक्ष बता दीजिए। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है बच्चा, जैसे पंथ का मतलब होता है एक वे, ठीक, तो एक वे किसी भी चीज को पाने का एक वे है, उसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, और कोई भी धारण करने वाली जो होता है उसको हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं। सर न्याय बता दीजिए। तो भारत में तीन प्रकार का न्याय पाया जाता है, जहां पे समानता है वहां पे न्याय है, तीन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। जहां पे रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चा, जहां पर वहां का हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो वहां का मेन है, जैसे कि राष्ट्रपति, राजा रानी या कोई भी है जिसका चुनाव होता है, चुना जाता है वो चुनाव के द्वारा, उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जहां पर वो आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद से लेता हो, उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहेंगे। एक बार पार्टिसिपेंट्स दिखाइए, एक बार हमको पार्टिसिपेंट्स दिखाइए, ऐसे टेक्निकल टीम, एक बार पार्टिसिपेंट्स हमको दिखाइए। बहुत अच्छा पढ़ा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग बहुत अच्छा पढ़े। एक बार पार्टिसिपेंट्स हमको दिखा दीजिए, ऊपर जाएगा ये, देखिए। सर यस सर, अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छा पढ़ाए सर, बहुत बढ़िया सर, थोड़ा स्पीड कम रखिए, हमको पढ़ाना आप सिखाए नहीं है सर। ये अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छा, आप अच्छे से समझे, इसके लिए धन्यवाद। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का शाब्दिक अर्थ बताइए। डिग्निटी, शाब्दिक अर्थ मतलब है कि उसका अपना स्वाभिमान, ऐसे समझ लो। थैंक यू सर। सर आप रेगुलर पढ़ाइए, बिल्कुल रेगुलर पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। थैंक यू सर, आपको थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा समझ आया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद आपको। चलिए आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप सभी यहाँ पर मुझे थैंक यू और यही कह रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आया, तो आप अच्छे से समझे, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। कल हम प्रस्तावना खत्म कर लेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपका, जो मैं चाहता था कोई क्वेश्चन, कल हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीद लीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? थैंक यू ही सब लोग बोल रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सबको, ठीक है।